control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun. चैनल से गाइस, मैं भी थोड़ी तैयार हो रही थी. मुझे डॉक्टर के पास जाना है और आज बहुत सारी चीज़ें हुई हैं. सबसे पहले जो मेरी हाउस हेल्पर है वो आई और उसने कुछ काम नहीं किया. एक्चुअली मैं कहते तब जब किस्मत थोड़ी सी ख़राब होती तो आज वो आई पर उसने कुछ काम नहीं किया. कल उसने कहीं पर बर्तन मांजे होंगे शाम को और काश था उसके यहाँ पर गड़ गया. उसे 3 टाके आए हैं. तो उसके बाद क्या हुआ, उसने कुछ काम नहीं किया. फिर वो बता के गई है और मैंने जो है उसके बाद बर्तन मांजे और झाड़ू लगाई, पोछा नहीं लगाया क्योंकि घर का काम था और मेरे पास पता वो फटाफट कोई ऑप्शन नहीं मिलता. तो मैंने वो वाला काम किया. फिर मैं आई हूँ तैयार होने और फिर हम लोग डॉक्टर के पास जाने वाले थे. जो डॉक्टर हमें डिसाइड किया था उनका बैठने का टाइम 6 बजे तक का था शाम के. तो मैंने सारा काम निपटाया है. राजू ने कॉल कर रहे थे पर वहाँ से कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, वो एंगेज जा रहा था. फिर 4 बजे के आसपास जो कॉल है वो लगा है तो उन लोगों ने बोला कि जो डॉक्टर है वो 4 बजे चले गए हैं और जो उनके असिस्टेंट हैं वो 5 बजे तक बैठे हैं. तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम लोग जाते हैं वहाँ पे. तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने राजा के फ्रेंड है उनकी वाइफ की डिलीवरी भी अभी हुई है, मान के चलिए 8-9 महीने पहले. तो उनका जो डॉक्टर है हम उनके पास जा रहे हैं. तो बोल रहे थे कि वो काफ़ी अच्छी डॉक्टर है और क्या होता है ना आप थोड़ा पता करके जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहता है. तो मैं अभी 6 वीक्स से ऊपर हूँ तो हम लोग दिखाने जा रहे हैं. वैसे मैं आपको बता रही हूँ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, अच्छा चल रहा है. मैं टायर्ड नहीं हूँ, मैंने वो दवाई छोड़ दी है क्योंकि मुझे वॉमिटिंग का भी बहुत सीवियर इशू नहीं था, मैंने आप लोगों को बताया. तो वो दवाई छोड़ दी है मैंने. बस अब मेरा थोड़ा सा जो सांस है ना वो ज़्यादा फूल रहा है. तो बस राजा जो है वो आ रहे हैं और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और उसके बाद फिर चलते डॉक्टर के पास. अगर सोनोग्राफी होती है तो होपफुली आज सोनोग्राफी हो जाए शायद, अगर डॉक्टर बोलते हैं तो. जो भी होता है मैं बताती हूँ आप लोगों को. आई थिंक 6 वीक्स में हो जानी चाहिए. मैं 6 वीक्स 2 डेज या 3 डेज हूँ क्योंकि मेरी जो पीरियड की डेट थी वो इस बार थोड़ा लेट भी थी. मतलब मेरी 28 डेज की साइकिल चल नहीं रही थी क्योंकि वो जो अप्रैल के बाद गड़बड़ा गई थी. तो मेरा पूरा सिस्टम जो साइकिल है वो गड़बड़ाई हुई है. तो सोनोग्राफी से पता भी चल जाता है कि एग्जैक्ट अभी कितने वीक्स और क्या चल रहा है. तो चलिए देखते हैं क्या होता है. थोड़ी सी नर्वस हूँ, थोड़ी सी खुश हूँ और मैं सोच रही हूँ सोनोग्राफी करा लेती हूँ. सो मैं राजा का ही वेट कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ रह गए ये. तो मैं बालकनी में जाकर देखती हूँ. आने वाले थे, लेट हो गए पता नहीं कैसे. गाइस हम लोग आ गए हैं डॉक्टर के यहाँ पे. वहाँ पे बहुत भीड़ है और राजा को नंबर नहीं मिल रहा था उनका. हाँ तो वहाँ पे बहुत भीड़ है, लाइक बाहर तक भीड़ है. तो राजा जो है वो अभी देखने गए हैं. तो मैं पानी पी रही हूँ फिलहाल सोनोग्राफी के लिए क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं सोनोग्राफी तो करा लेती हूँ. तो देखते हैं आज हो पाता है नहीं हो पाता, कुछ नहीं मालूम. क्या हुआ, भीड़ है क्या? इतनी भीड़ थी, कम से कम 40-50 लोग बैठे हुए थे और उनका 8 बजे तक का टाइम है. तो उन्हें मना कर दिया. मैं वहाँ पे अपॉइंटमेंट लगाने गई तो उन्होंने बोला कि आज नहीं हो पाया क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था. आपने पहले नंबर क्यों नहीं लगाया था? नंबर लिया नहीं, मैंने बोला था उसने बोला था 8 बजे तक बैठेंगे. उन्हें नहीं लिया और स्टिल उन्हें क्या हुआ, जब हमने फ़ोन पे बोला उनसे कि अपॉइंटमेंट वो करने के लिए तो उन्हें नहीं किया. तो मैंने बोला आप अभी कल की तो ले लीजिए. तो उन्होंने बोला कल की भी अभी नहीं, आप 7:30 बजे के पहले आइएगा. नहीं आइएगा बिना अपॉइंटमेंट. हाँ फिर अपॉइंटमेंट लगाना. अभी तो वही वजह है, वही टाइम हुआ है अभी. वही तो बोल रहे क्या है, यही होता है ना जो चल डॉक्टर अच्छे होते हैं ना. और डॉक्टर अच्छी है वो, और ये हुआ भीड़ से पता चल रहा है. एक्चुअली मैंने उनसे बोला कि आप कल के लिए नंबर लगा लीजिए हम लोगों का क्योंकि दूर पड़ता है घर से, पता है डेली नहीं आया जाता. मेरे को अभी वॉमिटिंग आ रही है बहुत दिनों बाद, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है. तो हम लोग ना मैंने उनसे कहा तो उन्हें बोला कि 7:30 से पहले आना. अभी भी हम 7:30 से पहले आए हुए हैं तब भी वो नंबर नहीं ले रहे क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी भीड़ है. मतलब क्या करना है, उन्हें नंबर नहीं लगाया. तो ये वाला डॉक्टर जो है फेल हो गया. ये बोल रहे कि कोई जैन करके है, क्या नायक, नायक कोई नायक है. नायक नहीं, नायक मैं. आज का जो दिन था वो बड़ा ही बुरा है, बहुत बुरा दिन निकला आज का. तो बताती हूँ मैं क्या हो गया है कि आंटी देखती हूँ जा रही.
तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, मतलब लाइट नहीं चलाई क्योंकि फिर ना एकदम लोगों के फोकस में आ जाता हूँ, लोग खड़े हुए हैं और कुछ ज्यादा थी लाइट। हाँ तो क्या हुआ, डॉक्टर का वो जो था उनने अपॉइंटमेंट ली नहीं और कल भी वो 7:30 से पहले बोल रहे हैं, आज भी हम गए थे 7:30 से पहले तब उनके इतनी भीड़ थी और कल का भी नहीं पता है कि कल भी हो पाएगा या नहीं, तो ये डॉक्टर हो गए कैंसिल। उसके बाद एक डॉक्टर है जो मेरी परमानेंट डॉक्टर है, तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या मेरी कोई डॉक्टर नहीं थी, तो हम लोगों की डॉक्टर है बट वो जो डॉक्टर है ना उनके यहाँ पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है। अगर आप 9 जैसे हम लोगों को थोड़े बहुत इश्यूज होते थे लाइक इन्फेक्शन वगैरह तो वहाँ चली जाती थी कि चलो एक दिन जाना है तो कोई नहीं, बट यहाँ पे रेगुलर चेकअप है तो पता है वहाँ पे इतनी सी वो है लाइक रोड हॉस्पिटल है पूरा लेकिन वो हाँ बहुत क्लीन है सब कुछ, बहुत मार्केट और वेजिटेबल मार्केट होता है वहाँ उसके वहाँ पे है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे ऐसे पार्किंग नहीं, कि कभी बहुत इमरजेंसी हो जाए कुछ हो जाए तो हो सकता है हमें पार्किंग ना मिले, और स्कूटी में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम ट्रैवल करके जाएं, तो हमारी परमानेंट डॉक्टर के साथ ये हो रहा है कि हम वहाँ नहीं जा सकते, कि कभी 5-6 महीने में कुछ हुआ तो आप जा सकते हो बट अगर रेगुलर के लिए जाना है या कभी कोई तकलीफ भी हो सकती है आपको इस टाइम पे तो वो नहीं हुआ। ठीक है अब एक जो ये कौन सा कह रहे थे नायक भी कह रहे थे ना, तो हम वहाँ से आए तो हमें वो थोड़ा सा जो एम्बियंस है वो क्लीन टाइप का नहीं लगा, तो हम लोग वहाँ से आ गए, हम लोग नहीं गए क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 9 मंथ्स के लिए कुछ क्लीन सब कुछ क्लीन वगैरह, वो उसे कुछ क्लीन नहीं लगा मुझे। तो अब ये हो गया है, ये वाली दिक्कत हो गई। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ये पानी था 2 लीटर, मैंने इतना पी लिया, मेरा पेट फटने वाला है अभी। तो हम सोनोग्राफी के लिए गए थे तो मुझे पता था कि हम लोग जब चेकअप करा लेंगे तो स्लिप मिल जाएगी, उसके बाद आधार कार्ड कंपलसरी है, तो वो सब हम लेके आए थे, स्लिप नहीं लेके आए थे क्योंकि हम तो उनके पास जाते, भावना जो डॉक्टर है स्लिप दी थी अपना। हाँ जो डॉक्टर उनके पास जाते हैं और उसके बाद फिर हम चले जाते हैं वहाँ पे, बट जब हम सोनोग्राफी वाले के पास गए तो उन्होंने बोला स्लिप कहाँ है आपकी डॉक्टर की, तो स्लिप तो जो पुरानी जिनके हमें दिखाया था पहले उनकी स्लिप में लाई नहीं थी क्योंकि मेरे लिए तो ये वाले डॉक्टर हम चेंज कर रहे थे तो इनकी स्लिप आती, तो वो भी वो हो गया, मेरा पेट सीरियसली फट रहा है। तो आज का जो दिन है वो वेस्ट हो गया और पता नहीं क्या होगा, पता है आपको हम 5-6 दिन हो गए, हम जो एक डॉक्टर के पास गए थे वो डॉक्टर भी अच्छी नहीं थी, अब डॉक्टर सोचिए डॉक्टर मिलना इतना मुश्किल हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ये क्या होगा, पता नहीं डॉक्टर नहीं समझ में आ रहे हैं हम लोगों को। तो हम लोग आ गए और आने से पहले अगर मुझे मेरी इतनी ज्यादा तबियत खराब हो गई थी, और ऐसे कोई तबियत खराब नहीं हुई थी, मैंने पानी बहुत पी लिया था और तब मेरा पेट दुख रहा था, फिर हम लोग घर आए और उसके बाद क्योंकि क्या होता सोनोग्राफी होती तो आपका जो ब्लैडर होता है वो फुल होना चाहिए, तो फिर हम घर आए और फिर मुझे चावल चाहिए थे, फिर मैं राशन का जो मार्ट है सेंट्रल मार्ट है यहाँ पे पास में ही, तो मैं वहाँ गई और वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आई क्योंकि वहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा था मुझे। तो ये है चावल जो मैं लेके आई हूँ, एक्चुअली मैं ना ये दावत लेके आ रहे थे और वो रेगुलर उस पर ना मेरे को अच्छे नहीं लगते हैं दाल चावल के साथ, वो पूरे वाले जो आते हैं ये भी पूरे बासमती है बट वो थोड़े से ना स्पेशल बनते हैं, लाइक वो पुलाव की या बिरयानी की फीलिंग देते हैं मुझे, तो मेरे को नॉर्मल चावल चाहिए थे, ये भी फुल बासमती है तो मैं ये लेके आई, मैं यही लेके आती हूँ तो मुझे यही खाने की आदत है और उसी शॉप पे मिलते हैं ये, तो मैंने बोला मुझे वहीं जाना है, दादा ने बोला कि सिर्फ एक ही शॉप बची है, कि मैंने बोला नहीं वो ही बची है बस वहीं जाना है मुझे। उसके बाद ये लेके आए एक्लेयर्स, ये हम फ्रिज में रखते हैं और ठंडी करते हैं और खाते हैं, और ये देखिए क्या लाया, ये है राजा जी चॉकलेट पार्टी फ्यूज, तो 5-star 3D 5-star एंड मंच। राजा को ही चॉकलेट की क्रेविंग है, मुझे फिलहाल मैं आपको मुझे किसी भी चीज की क्रेविंग नहीं हो रही है ना, तुझे कुछ भी नहीं बोलती ना खाने के लिए, मुझे कोई क्रेविंग नहीं हो रही है, मूंगफली लाए थे वो मैं पूरी कर रहा हूँ ना, ये खा रहे हैं मेरी जगह पे, तो मूंगफली लाए थे और इनने खाई है क्योंकि मूंगफली गर्म होती है तो मैंने अवॉइड करके रखी थी, मैं अकेला अकेला खाई मूंगफली, और ये फिर मैं मूंगफली लाई थी और फिर ये फलारी लाए थे राजा खाते, फिर मैं सोयाबीन चंक्स लाई थी कि सब्जी बन जाती है इससे अच्छी, आवाज कम करो क्या, फिर एक फॉइल लेके आई थी क्योंकि फॉइल खत्म हो गया था, ऑल आउट लाई थी, ओ शिट बटर नहीं रखा फ्रिज में, पिघल गया पूरा, बटर रखना फ्रिज में, बटर लेके आई थी कि लो भाई किटकैट भी पिघल गई, ओ नो यू भूल गया, अच्छा किटकैट तो दिखाने भूल गया मैं, उसके बाद मैं मूंग दाल लाई थी, मूंग दाल मुझे पसंद है पर मुझे कल का कुछ कमेंट याद है कि मूंग नहीं खानी मूंग दाल नहीं खानी, अभी याद आई मैं करूंगी, मुझे पता नहीं। उसके बाद फिर मैं ये ओट्स लेके आई हूँ, जैसे मुझे कभी बहुत इंस्टेंट भूख लगती है, बटर ना,
फिर ये एक हैंड वॉश है और बस इतना सामान, ज्यादा सामान लाया नहीं मैं, कुछ जितनी की जरूरत थी एक्चुअली में कौन नहीं डॉक्स। तो कल हम लोगों का जो हॉस्पिटल वाला प्लान है, कल हम लोग को जाना था तो वो कैंसिल हो गया है अभी, क्योंकि एक तो डॉक्टर का था तो हम लोगों ने डिसाइड किए दो डॉक्टर, एक मेरी डॉक्टर और एक फिर वो सिजेरियन वाली डॉक्टर, तो हम लोगों को लगा हम दोनों के पास चलेंगे। पर राजा के अभी लड़के का कौन है, राजा के लड़के का, राजा जी के लड़के का मतलब ऑफिस में जो राजा जी के जो ऑफिस में काम करता है उस लड़के का फोन आया। तो राजा के ना ऑफिस में दो लड़के काम करते हैं, एक सुबह की शिफ्ट में एक शाम की शिफ्ट में, और जो राजा है वो पूरी शिफ्ट में काम करते हैं, मतलब वो सुबह से जाते हैं और रात में आते हैं, और जो लड़के हैं वो बदलते रहते हैं। तो हम लोगों को जाना था दोपहर के बाद, तो जो 4 बजे के बाद लड़का आता है इनका, वो छुट्टी पे जा रहा है, उसके यहाँ पे कोई पार्टी वगैरह है। तो फिर इन्होंने बोला कि मैं क्या करूँगी, तुमसे स्ट्रेस में आ गए थे, मैंने बोला कि मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग परसों चले जाएंगे, हम लोग कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वो नहीं कि मुझे इमरजेंसी में जाना है। तो अभी जो मैंने दवाई है उसमें वॉमिटिंग वाली दवाई जो है वो बंद कर दी, मैं सिर्फ फॉलिक एसिड दे रही हूँ और नॉर्मल जो खाना है वो खा रही हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर रही। बस हाँ, मैं थोड़ा सा घर का काम करना पड़ा था, क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्पर है उसका हाथ पे टाक गया, मैं देखती हूँ कल कुछ जुगाड़ हो जाए उसका वो रहेगा, इसलिए मेरा थोड़ी सी रसोई है ना वो मैसी है, मैं जितना कर पाई थी मैं कर पाई थी। ये राजा जी हैं, ये राजा जी का सामान आता है हर दिन ऑफिस से वॉश करने वाला। आज मेरे बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं लगे हैं, कुछ भी नहीं लगे। राजा बस मेरी एक हेल्प चाहिए, मेरी एक हेल्प, राजा तुम्हारी बस एक हेल्प चाहिए, ये जो चावल है ना वो खोलना, वहाँ पे एक डब्बा होगा हाँ, उसमें जो मीडियम साइज वाला है उसमें इसे खाली कर दो, पलटा दो, हाँ पलटा दो, आटा भी खाली कर दो, इनके से दो काम है। मैं बस भारी जो सामान है ना वो ज्यादा लिफ्ट नहीं कर रही हूँ, तो अभी ये आटा भी जो है वो खोल के डालेंगे, तो राजा के दो काम है। तो मेरी रसोई देखिए कितनी फैली हुई है फिलहाल, ये देखिए सब कुछ पड़ा हुआ है, पता नहीं फूटी की बॉटल कौन रख दी यहाँ पे लाके, कौन रखी है ये, उनकी प्लान है ये। अरे यहाँ तो बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, देखा कितनी स्वेटिंग में काम करती हूँ मैं, आज समझ में आया तुमको, इतनी हालत खराब, देखिए एक उस वो खोलने में इनकी हालत खराब हो गई, स्वेटिंग हो रही है। दावत क्यों नहीं लाए, दावत है डेली टेस्ट, पता है दाल चावल वाले चावल अलग अच्छे लगते हैं, सही बात है नहीं, दाल चावल है हाँ, बासमती है पूरा, ये भी देखो है? ये लाती हूँ हाँ, पूरा बासमती ही है पर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं हाँ, इसे उठा के इश्क 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 दावत इश्क। पराठे हैं दो चीज़ सेक लिए मैंने, वो दोनों सेक लिए हैं, सब्जी मेरी हो गई है ये वाली, और मैं बना रही हूँ दाल। राजा जो है वो सो गए थे पीछे वाले रूम में, वो खाना बनाने वाले थे, बट मैं राजा से एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ खाना बनाना कि वो आके और खाना बनाए, मैं आ गई और ये जो खाना बनाने वाले थे वो सो गए, कैसे नहीं लग गई, गर्मी बहुत हो गई है, मैंने आपको कुछ भेजा था मैं देखा नहीं ना व्हाट्सएप पे। तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी, तो मैंने ना इन्हें व्हाट्सएप भेजा, मुझे सडनली टेंशन सी हो रही है, मेरे चेहरे पे दिख रही होगी, मेरी हालत भी ख़राब हो रही है गर्मी में, मैं जा रही हूँ अभी खाना लेके। तो ये जो कमेंट है थोड़ा टेंशन वाला था मेरे, ऐसे है नहीं मुझे किसी चीज़ की टेंशन, बट हो रही है मेरे को बहुत टाइम हुआ टेंशन, क्योंकि ना कुछ चीज़ें ना
आप अपनी लाइफ में दोबारा से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वापस आप रिपीट हो, बट वो जो मैसेज आया था वो थोड़ा सा डिप्रेसिंग टाइप का था मेरे लिए. मतलब एक ने कहा डायरेक्टली, तो मुझे डायरेक्टली बोला कि ये केमिकल प्रेगनेंसी है और क्योंकि आपकी लाइन फेंट है, तो मेरी जो लाइन है वो तीसरे दिन डार्क हो गई थी और अब डार्क हो गई है. बट कहते हैं ना थोड़ी सी भी चीज़ जो रहती है ना बहुत डरावनी जाती. मुझे एक केमिकल हुई थी 17 के बाद हुई थी, बट उसमें वो जो थी वो मैंने पीरियड के एक दिन पहले टेस्ट की थी और पीरियड वाले दिन पीरियड आ गए थे मेरे, तो वो सिर्फ एक सिंगल केमिकल प्रेगनेंसी थी. तो वो किट में स्टार्टिंग में आपके एस टी जी लेवल्स के कारण होता है, बट मेरा सच में इतना थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है, कोई लिखता है नहीं सब, तो थोड़ा सा लगता है कि वो दोबारा से ना हो क्योंकि आप लोग इतने सपने देख लेते हो और फिर वो सब हो, तो अभी मुझे कुछ भी ऐसा नहीं है. और वो एकदम से मेरे को डर लगा कि यार क्या बोला ये, और डायरेक्टली बोला कि ये केमिकल प्रेगनेंसी है. जो कि फिलहाल मैं आपसे बोल रही हूँ सब कुछ सही जा रहा है, सही जा रहा है, सही जा रहा है और सब कुछ सही ही जाएगा. मेरे लिए 99% है कि सब कुछ सही जाएगा, बट वो 1% का जो डर है ना जो पहले हुआ है उन सब चीज़ों का जो डर है वो डरा देता है, और कई बार कमेंट्स भी डरा देते हैं आपको. तो मेरे को काफ़ी डर लग रहा था. मैं इतनी देर से खाना बना तो रही हूँ, बट मेरा दिमाग जो है ना पूरा वहीं लगा हुआ है. तो वैसे भी खाना हो गया, मैं जाके देके आती हूँ, थोड़ा मूड फ्रेश करती हूँ, थोड़ा खाना वाना खा के और नहा के आती हूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ. सो गाइस, कल रात के बाद जो ब्लॉग था वो मैंने कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मेरा थोड़ा सा जो मूड था वो ख़राब हो गया था वो कमेंट पढ़ने के बाद. तो हम लोग अभी डॉक्टर के पास से आए हैं और मैं ऐसे कपड़े पहन के नहीं गई थी, मैंने आके चेंज किया है. और राजा जो है वो ऑफिस गए, हमें आते आते 6:30 बज गए. हम लोग निकले हैं 1 बजे के और 6:30 बज गए आते आते, काफ़ी टाइम लग गया. सब कुछ जो है वो कल के ब्लॉग में आएगा और मैं आपको बताऊंगी कि डॉक्टर ने क्या बोला है. सब कुछ जो है अभी एट प्रेजेंट सब कुछ सही है, कुछ भी ऐसा नहीं है. तो मैं कल काफ़ी डर गई थी और हम लोगों का कोई प्लान नहीं था, मैंने आप लोगों को बताया था आज जाने का, बट राजा को थोड़ा सा कंसर्न हुआ. वो देख रहे थे कि मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में हूँ, तो इसलिए उन्हें आज का ऑफ लिया. लाइक उन्हें बोला कि कोई नहीं, लड़का नहीं आया कोई नहीं, पर मैं आज ही लेके चलूँगा, क्योंकि वो देख रहे थे. इवन जब हम लोग आए हैं उसके बाद मैं काफ़ी स्ट्रेस में थी. तो सबसे बड़ी बात, आपको स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए, बट स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि क्या होता है, इंसान की एक फितरत होती है कि वो 1000 अच्छे कमेंट नहीं देखेगा, वो 3-4 गलत कमेंट देखेगा. और उसके कारण ना वही होता है ना कि आपको हज़ारों लोग, जैसे आप बोलेंगे ना हज़ारों लोगों की इतनी बेस्ट विशेज हैं, बट वो 2-3-4 लोगों के ऐसे कॉमेंट्स देखता है और वो डर जाता है और डिप्रेस्ड हो जाता है. और उन्हीं लोगों में से हूँ मैं जो ये सब करते हैं, लाइक 1000 कमेंट्स अच्छे देखे उसके बाद भी 2-3 कमेंट्स को लेके जो कि अच्छे नहीं थे. इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें हुई हैं यूट्यूब में और बहुत सारे लोग प्रेग्नेंट हैं और कुछ का मिक्स कैरेज हुआ है. और क्या होता है ना, लोगों को लगता है मजाक है ये सब, प्रेग्नेंट हुई उसका मिस कैरेज हो गया. तो जिसके साथ होता है ना उससे पूछे. आई थिंक मेरे ख्याल से वो लोग करते होंगे ऐसे कमेंट जिनका कभी मिस कैरेज नहीं हुआ है, या जिनने कभी वो चीज़ फील नहीं करी है, या जो कभी शादी नहीं हुई है किसी की, या जिसको बहुत अच्छा लगता है सब करना बोलने में. किसने प्लान किया उस चीज़ को, किसने प्लॉट करके उस चीज़ को एग्जीक्यूट किया प्रेगनेंसी को, उसके बाद मिस कैरेज किया, मैं बिल्कुल नहीं बता सकती हूँ. और मेरे ख्याल से कोई ऐसा करता नहीं होगा. और मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरा 2017 का था और आई थिंक मेरा ही फर्स्ट था जो था, मैंने आप लोगों के साथ उस टाइम शेयर किया था. उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं, जो हुआ था वो ऐसा कुछ था नहीं कि मैंने कोई अनाउंसमेंट करी थी उसके बाद मिसकैरेज किया था. 17 के बाद 2017 में मेरी फर्स्ट थी और वो मैंने शेयर करी थी, और उसके कारण थे, रीज़न थे, वो सब आप लोगों के सामने थे. वो पूरा स्ट्रेसफुल चीज़ थी. तो कोई भी, मेरे ख्याल से कोई भी सही इंसान ये सब बहुत सोच समझ के किया. पहले हम प्लान करेंगे, फिर हम प्लॉट करेंगे इस चीज़ को, फिर हम प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव ले आएंगे. तो जैसे आपने मेरा देखा प्रेगनेंसी टेस्ट, मुझे नहीं मालूम है पॉजिटिव कैसे आता है, प्रेगनेंसी टेस्ट क्या आता है, कोई कैसे प्लान करता है, कैसे प्लॉट करता है, उसके बाद मिस कैरेज करता है. मेरे को ये लगता है कि लोग झूठी रिपोर्ट बनवा के आप लोगों को दिखा देते हैं,
ऐसा नहीं होता है जो आप लोग सोच रहे हैं, उन लोगों के साथ रियलिटी में होता होगा, तभी वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। वो रोते हैं, उन्हें कितना बुरा लगता होगा, आप एक इंसान होकर उनकी फीलिंग्स नहीं समझते और आके आप कुछ भी बोलते हैं। मेरे पास एक कॉमेंट आया था कि अब हम आपकी मिसकैरेज की वीडियो का वेट कर रहे हो, तो मेरे को वही लगा कि इंसान की सोच देखिए कि मेरे ख्याल से किसी के साथ होना नहीं चाहिए ये, बट आपकी जो प्रेगनेंसी रहती है ना 3 महीने ही नहीं, अगर आपके साथ गलत होना होगा ना तो वो 4th महीने भी हो जाएगा, और होना होगा तो वो 6th महीने भी हो जाएगा। कुछ गलत होना होता है ना तो वो आई थिंक जब आपकी जब आप बेबी डिलीवर कर रहे होंगे ना तब भी हो जाएगा। तो वो चीज़ आपके हाथ नहीं रहती, वो सिर्फ भगवान के हाथ में रहती है। और किसी का भी मजाक उड़ाना उस चीज़ के लिए, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, मैं किसी भी यूट्यूबर के साथ ही खड़ी हूँ, कि कोई भी यूट्यूबर है आप उसका ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं, किसी का हुआ है या कुछ भी है, तो मेरे ख्याल से कोई भी झूठ नहीं बोलता है। और मैंने जहाँ तक सुना है और जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने खुद पर्सनली भी देखी है वो, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया तो मैंने जाके देखा था, मुझे बिल्कुल भी फेक नहीं लगा, क्योंकि इंसान फेक नहीं होता है। और उन अब देखना, अगर कोई ये सब चीज़ें किसी के साथ जा रहे हैं ना, तो उसके शक्ल पे दिखता है कि उसके साथ क्या हुआ है। और मिसकैरेज पेन आप लोगों को नहीं पता है, जो लोग लिख देते हैं ना आके कि हम मिसकैरेज की वो कर रहे हैं, मिसकैरेज पेन मेरे लिए, मैंने लेबर पेन कभी नहीं झेला, पर मेरे लिए इक्वल टू लेबर पेन था वो। बहुत गंदा दर्द होता है, वो बहुत ज़्यादा गंदा दर्द होता है। मैं आपको बता नहीं सकती, वो जो पेन था जो मिसकैरेज का था, वो मेरे को करीबन अब मान के चलिए सुबह से शुरू हुआ था मेरा 5-6 घंटे तक, जब तक कि जो आपके बॉडी में बचा हुआ जो भी है वो निकल नहीं जाता, वो इतना पेनफुल होता है। हमने डॉक्टर को फ़ोन किया था, डॉक्टर ने बोला कि आप आ जाओ, मैंने पेन किलर मैं दे दूंगी डॉक्टर से, जब हम लोग की बात हुई थी। बट मैं इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं चल भी पाती, तो मैं थोड़ा सा भी उठ रही थी ना तो या तो मुझे वॉमिटिंग आई थी, और मैंने जब जो बचा हुआ जो जो आपके पेट में रहता जो पास हुआ था, तो मुझे 2 बार वॉमिटिंग हुई थी, उसके बाद वो जो मिसकैरेज था वो हुआ था। और जो पेन था मैं आपको बता नहीं सकती, मैं यहाँ लेटी थी इस साइड में, बोजो था उस टाइम पे हम लोगों के पास में, मैं जो चिल्ला रही थी ना, मेरी मदर इन लॉ ने आके मुझसे बोल दिया था कि इतना क्यों चिल्ला रही हो। तो मेरी हालत जो थी मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। मिसकैरेज बहुत छोटी सी, आप लोगों को लगता है ना कि आएंगे आके प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट करेंगे फिर 5-6 दिन बाद आके मिसकैरेज कर देंगे, तो वो आपके हाथ में नहीं है। हो सकता है आप 3 महीने निकाल लो, 4th महीने 4th महीने में भी कुछ होता है, लाइक उसे कुछ बोलते हैं वो मिसकैरेज, उसको टर्म नहीं दिया गया, उसे 4th मंथ में भी कुछ होता है। कई बार चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं। मैं आपको एक सब्सक्राइबर की, अपनी सब्सक्राइबर की स्टोरी बताती हूँ, और उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। तो पता है आप लोग जो सोचते हैं ना कि चीज़ें इंसान प्रेडिक्ट करता है और अपने आप प्लॉट करता है, प्लान करता है, उसके बाद आके ये सब करता है, तो कोई ये सब नहीं करता है। और जो ये लोग आके बोलते हैं ना कि इसके बाद ये करेंगे, ये फेक प्रेगनेंसी है, ये है, मैंने आपको टेस्ट किट दिखाई, मैंने वो लाइन भी जो है जितनी थी उतनी लाइन आपको दिखाई। कुछ लोग कह रहे थे फेंट है तो केमिकल प्रेगनेंसी है, तो आपकी केमिकल प्रेगनेंसी है ये, वो हो जाएगी, मतलब मिसकैरेज हो जाएगा क्योंकि आपकी लाइन फेंट थी। तो मेरे को नहीं समझ में आता है कि लोग इतना कैसे सोच लेते हैं, इतना कैसे कर लेते हैं। तो मैं आपको सब्सक्राइबर की स्टोरी बताती हूँ, उनका क्या हुआ था, उनका बेबी का जो बर्थ था। अब आप सोचिए इतनी तकलीफ वाली चीज़ें होती हैं, आप नहीं सोचते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी अगर 9 मंथ है या 7 मंथ है या प्री मैच्योर है, उसके बाद ही बेबी सही होगा या क्या होगा, कुछ भी आपके हाथ में ही रहता, सब भगवान जी के हाथ में रहता है। और मेरे ख्याल से, मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई प्लान प्लॉट करके नहीं करता, और अगर कोई करता है तो मेरे हिसाब से इस चीज़ का जो मजाक उड़ाता है उसे कभी भी बेबी नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों को आज ऑन कैमरा बोल रही हूँ, अगर कोई इस चीज़ का मजाक उड़ाता है और इस चीज़ को प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ करता है तो उसे बेबी कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें बहुत सेंसिटिव है, कुछ लोग कभी कंसीव ही नहीं कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से मजाक नहीं बनना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई शायद नहीं बनाता होगा इसका मजाक, और अगर वो बनाते होंगे तो उनसे ज़्यादा इनसेंसिटिव लोग या इनह्यूमन लोग कोई नहीं होते होंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कौन है वो। तो ये है एक, ये जो स्टोरी आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब मैंने पढ़ी थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिप्लाई करूँ। तो 3 मंथ निकलने के बाद आप भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, और आप भी औरत हो, आके लिख देते हो आप कुछ भी। आप सोच के देखिए कि ये चीज़ आपके मुंह से भी कैसे निकल रही है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, उनको अभी बेबी जो है वो कंसीव नहीं हो रहा, नाम मैं नहीं लूँगी, और 7 मंथ में उनका जो बेबी था वो ख़त्म हो गया। उन्हें बहुत सपने देखे थे, जैसे हर एक प्रेग्नेंट औरत या जो भी माँ बनने वाला होता है वो सपने देखता है, तो उन्हें भी अपनी बेबी के लिए बहुत सारे सपने देखे थे। कोई किसी के लिए, मतलब सब कुछ उन्हें जो भी रहता है। तो क्या हुआ था, 7 मंथ में जो उनका बेबी है
उनका जो ब्लड है वो बेबी तक नहीं गया और डॉक्टर ने उन्हें बोला कि खतरा है इसलिए डिलीवरी करनी पड़ेगी, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। और बेबी को ऑपरेशन से बाहर निकाला, बेबी बहुत कमज़ोर था, उसका वेट 1 kg से भी कम था, इसलिए उसको वेंटिलेटर पर रखा गया। डॉक्टर ने बोला अगर इसने 72 घंटे निकाल लिए तो बच्चा बच जाएगा, वरना बट फिर उसको वेंटिलेटर से हटाया तो उसकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं हुआ और वो नहीं रहा। अब आप सोचिए कुछ लोगों कुछ बच्चों की जो खून साफ करने वाली नली रहती है, अब पता है बहुत सारे केसेस होते हैं, मैंने यूट्यूब पे भी कुछ देखे हैं, 6 मंथ में हो जाते कुछ हो जाते, कुछ लोग अपने बच्चे देख लेते हैं और उनके बच्चे वहाँ पे वेंटिलेटर पे, अभी वाले आपने देखा था, मेरे को समझ में नहीं आया था, आपने सुना, तो आप सोचिए जो जिन पे सब बीतती है, तो ये सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहती है। जिसका कुछ भी होना होगा वो 3 महीने में हो जाएगा और नहीं होना होगा तो वो बेबी हो भी जाएगा, सब हो जाएगा, जिसका होना ही होगा ना तो वो 3 महीने में भी ना होके 7 मंथ में हो जाएगा, हो सकता है 9th मंथ में हो जाए। तो बहुत सारी तकलीफ़ें रहती हैं, ये बहुत ईजी चीज़ नहीं है। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ और सब कुछ देख रही हूँ और इतने टेस्ट हैं, इतना कुछ है, शुगर से लेके आपका थायराइड सब कुछ चेक होगा, जैसे मेरा वेट इंक्रीज़ हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। इसलिए सेल्फ प्रोटेक्ट करना और सेल्फली आपके आपको बोलना कि आपने अगर 4 लोगों की वीडियोस देखी हैं तो उसके बाद आके आप मुझे ये बोल रहे हैं। और जो मेरी वीडियो थी आपने देखी, तो मेरी तो 2017 की थी, अब किसी ने रीसेंट टॉपिक बनाया वो तो वो उनकी गलती है कि किसी ने उसे अब उसका मुद्दा उठाया 17 की वीडियो का, जो कि एक वीडियो थी। मेरे को नहीं समझ में आता है कि आगे लोग किस तरह से और उनका दिल किस तरह से मान जाता है। होता है कुछ लोगों के साथ हुआ है और मैं जानती हूँ उन लोगों के साथ होता है तो कितना बुरा होता है। कुछ लोगों के पॉजिटिव आते हैं, फेंट पॉजिटिव आते हैं कि एक लाइन डार्क थी, एक हल्की थी और केमिकल प्रेगनेंसी थी, तो रेगुलरली वो जो है मिसकैरेज हो गया। तो वो आया था मेरे पास, उनका हो रहा है ऐसा, तो उन्होंने मुझसे बोला था आपकी फेंट लाइन है, आपको टाइम बताएगा। मेरे को लगा ठीक है कोई नहीं टाइम बताएगा, जो भी बताएगा उन्हें बड़ा टाइम बताएगा आपको, ये केमिकल प्रेगनेंसी है। तो मैंने डॉक्टर से ही बोला और डॉक्टर ने मुझसे बोला, क्योंकि मेरे को लगा, मैंने आज डॉक्टर से बात करी इस बारे में कि ऐसा ऐसा है, मेरी ये जो लाइन है थोड़ी सी फेंट है, उसके बाद जो है थोड़ी डार्क हुई है। तो डॉक्टर ने बोला कि यूरिन का फ़र्क पड़ता है सबसे पहले तो, और कई बार क्या होता है अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में टाइम लगता है, हम अल्ट्रासाउंड भी आपसे नहीं बोल रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें जो रहती है ना वो टाइम से होती, लाइक जो आपका SCG है वो 2 से 3 दिन में बढ़ेगा और कोई दिक्कत नहीं होती। और कई बार ऐसा रहता है कि आपकी लाइन है वो डार्क भी रहती है, तो मेरी जो 17 वाली थी उसमें दोनों लाइन 15 दिन में डार्क थी, लाइक 15 जब जिस दिन मेरे पीरियड्स में जिस दिन मेरे पीरियड मिस हुए थे। कुछ लोगों के पॉजिटिव टेस्ट 10-15 दिन तक नहीं आते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनकी जो प्रेगनेंसी है वो सर्वाइव नहीं करती है। तो आप समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो किसी को किसी से रिलेट मत करिए कि इनने किया है तो ये भी यही करेंगी या ये कर रही हैं तो ये करेंगी, जिसका जो होना है ना वो होके रहेगा। और मुझे ये तो नहीं लगता है, अब आज भी मैं बोल रही हूँ कि किसी ने किया है, क्योंकि जाके देखिए इंसान है वो, कोई नहीं करता है ये सब। और जो भी सोचता है ना इस बारे में कि उसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, तो जिस दिन जो सोच रहे हैं उन पर बीतेगी उस दिन उन लोगों को समझ में आएगा कि ये सब जो चीज़ें होती हैं। क्योंकि जो मेरी सब्सक्राइबर बैठी हुई थी वो बहुत टेंस थी, लाइक जो हमें को मिली थी वहाँ पे जो बैठी हुई थी वो सीरियसली बहुत टेंस थी कि उन्हें कुछ सिम्टम्स नहीं थे। अब सिम्टम्स नहीं थे इसका मतलब ये है कि दिक्कत हो जाएगी, उन्हें मॉर्निंग सिकनेस नहीं हो रही थी, उन्हें प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स नहीं आ रहे थे, पर टेस्ट है जो पॉजिटिव है। तो हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, हर चीज़ अलग होती है, और जिसके साथ जो होना है ना वो होके रहेगा, चाहे वो 3 महीने से पहले हो जाए या 5वें महीने में हो, 6वें महीने में हो, 8 महीने में हो। आप इंसान हो, भगवान नहीं हो, आप जितना कर सकते हो उतना अपनी तरफ से करिए। और उसके बाद भी अगर कुछ है आपकी लाइफ में, लिखा है होगा, नहीं लिखा है ना तो नहीं होगा, बच्चा है तो वो आएगा, नहीं है तो वो नहीं आएगा। तो बस ये सब चीज़ें हैं, तो सेल्फ प्रेडिक्ट करना और कुछ भी लिखना ना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं इस वर्ड को ना यूज़ ही नहीं करने वाली थी अपनी पूरी प्रेगनेंसी में। मेरे को लगा था कि मैं नहीं यूज़ करूँगी, बट क्या हो रहा था हर वीडियो पे कि ऐसा। और कुछ लोग तो मुझे एक स्पेसिफिक यूट्यूबर का नाम लेके मराठी में कमेंट कर रही है, एक मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, वो मुझे नाम समझ में आ रहा है कि एक यूट्यूबर का नाम लेके, तो मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है कि उससे रिलेट करके कुछ वो है जो अभी रिसेंट का है। बट जो भी था वो उनके साथ भी गलत हुआ, तो मजाक किसी का भी मत उड़ाइए, क्योंकि इंसान हो, पता है आप लोग याद रखिएगा कि
जो चीज़ें आप बोलते हो, आप किसी पे अप्लाई कर रहे हो ना, वो चीज़ें कई बार आपके सामने खुद आके खड़ी हो जाती है। तो मेरा हमेशा मानना है कि दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए, आपके साथ अच्छा ही होगा। बस बहुत लेक्चर हो गया, तो ये बातें हैं गाइस। और सब कुछ अभी सही है, मैं एकदम नॉर्मल हूँ, मतलब डॉक्टर ने चेकअप कर लिया है, मुझे वेट इश्यू हुआ है और मेरा जो वेट है वो 3 दिन पहले 67.4 था, अभी वो 70.5 था उनकी मशीन में। तो मेरा वेट 3 दिन के अंदर 3 kg दिखा रहा है, उनकी मशीन ख़राब थी है, जो भी है, मैं अब देखती हूँ जो भी होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। आज ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो जाएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट ही हो गई, राजा जो थे वो थोड़े टेंस हो गए थे मुझे देख के, और मैं काफ़ी टेंस हो रही थी अपनी प्रेगनेंसी के देख के, और मैं इतना रिसर्च वगैरह कर रही थी कि वो था कि केमिकल प्रेगनेंसी और ये और